देखो ना, बात करने वाले हैं रॉयल्स वर्सेस पैंथर्स के बीच होने वाले आज के पहले बायजूस टी20 मैच के बारे में, जो कि आज सुबह आपको 9 बजे देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर बारिश होने की कोई भी चांस नहीं है। जो मैच होने लगी आपको संताना धर्मा कॉलेज के मैदान के ऊपर देखने को मिलने वाला है। और यहाँ पर जो आखिरी के 5 मैचेस खेले गए वहाँ पर आपको 130 रन के करीब का एवरेज स्कोर देखने को मिला हुआ है, यानी कि कहीं ना कहीं लो स्कोरिंग गेम हो रहा है। लेकिन हाँ, जो भी टीम यहाँ पर चेजिंग करी उसकी टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। क्यों? आखिरी के जो 18 मैचेस खेले गए पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 5 मैचेस जीते हुए, चेजिंग करने वाली टीम ने 13 मैचेस जीते हुए, यानी कि जो भी टीम सेकंड नंबर पर बल्लेबाजी करे आप उसके प्लेयर्स को ज़्यादा फोकस करके टीम बनाने की कोशिश करना। ये जो मैदान है यहाँ पे स्पिनर्स को थोड़ा ज़्यादा मदद मिलता है, स्पिनर्स को अपनी टीम में पिक करके चल सकते हो। और वहीं अगर बात करें दोनों टीम के रिसेंटली मैचेस की, तो रॉयल्स की टीम ने आखिरी की जो अपने 6 मैचेस इस सीजन में खेले हुए हैं 2 मैच जीत करके रही है, 4 मैचेस हार करके रही है। पैंथर्स की टीम ने आखिरी की जो अपने 6 मैचेस खेले हुए हैं उसमें से 3 मैच जीत करके रही, 3 मैचेस हार करके रही। तो मैं आपको ये कहूँगा पैंथर्स के प्लेयर्स को हमें ज़्यादा फोकस करके टीम बनाने की कोशिश करना चाहिए। बात करेंगे एक एक प्लेयर का पूरा एनालिसिस के बारे में, एक एक प्लेयर का पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा। बस आपको वीडियो को पूरा देख लें बिना स्किप किए। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपके लिए फ्री का लाल बताना, इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। उसके अगर आपको टॉस हो जाने का, लाइनअप आ जाने का, तो इसी मैच की हमारी खुद की फाइव टीम से हो तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम सर्को ज्वाइन होना पड़ेगा, जहां पे ज्वाइन होना आपके लिए एकदम फ्री है। हमारे टेलीग्राम सर का लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन सेक्शन में सबसे ऊपर देखने को मिल जाएगा। ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट सेक्शन में जाना, सबसे पहला जो आपको कमेंट देखने को मिलेगा उसमें आपको हमारे टेलीग्राम सर का लिंक देखने को मिल जाएगा। वहां भी ना मिले तो आप सीधे सीधे टेलीग्राम ऐप पर जाकर के सर्च मार लेना। जैसे ही वहां पर सर्च मारोगे अविधि चैंपियन, आपको सबसे ऊपर हमारे टेलीग्राम सर का लिंक देखने को मिल जाएगा, वहीं पे ज्वाइन कर लेना। वहीं पे मैं अपने 11 प्लेयर पूरे केवीसी सभी चीजें तोहस हो जाने का, लाइनअप आ जाने का सबसे पहले शेयर कर दूंगा। सबसे पहले बात कर लेते अपने पैंथर्स की टीम की, जिसमें बल्लेबाज में ओपनिंग करेगा वी या से गोविंद और उसका विष्णु राज। ये दोनों ने आखिरी मैचेस में आपने देखा हुआ बल्लेबाज में ओपनिंग कर रखा है। दोनों प्लेयर का रिकॉर्ड काफी खराब देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर पैंथर्स की टीम चेजिंग कर रही है, अगर पैंथर्स की टीम इस मैच चेजिंग कर रही होगी, तो आपको एक काम करना है, दोनों में से किसी एक प्लेयर को लेकर के चल सकते हो। विष्णु राज ने एक मैच में 46 रन की पारी खेल के दिया हुआ है, बचे हुए सभी मैचेस में फ्लॉप गया। पहले में भी 0, दूसरे में भी 0 और उसके बाद के भी मैचेस में उतना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया नहीं है। वी अरविंद का भी सेम वही है, 2 मैचेस में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया हुआ है, बचे हुए मैचेस में फ्लॉप गया है। वहीं का के श्रीनाथ की बात करूँ, इसको फिलहाल का मैं लेकर के नहीं चलूंगा। आखिरी मैच आपने देखा एज अ सब्स्टिट्यूट प्लेयर के तौर पर अंदर आया, वहाँ पर थोड़े बहुत रन्स मार करके गया हुआ है। जे जॉफिन की बात करूं, यानी कि जॉफिन जोस के हर मैच आपको 2 से 4 ओवर बॉलिंग करके दे रहा है। आखिरी मैच 2 ओवर बॉलिंग किया, एक भी विकेट नहीं मिला। ध्यान से देखना, स्पिनर बॉलर को यहाँ पे मदद मिल रहा है। उससे पहले वाले मैच 4 ओवर बॉलिंग करके 5 विकेट भी मिले और बल्लेबाजी से भी 27 रन बना के दिया। उससे पहले वाले मैच 4 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट मिले, उससे पहले भी 2 ओवर बॉलिंग करके 1 भी विकेट नहीं मिला, उससे पहले भी 2 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट मिला हुआ है और पहले मैच में भी बल्लेबाजी से 49 रन की पारी खेल के दिया हुआ है, यानी कि आखिरी मैच में फ्लॉप हुआ है। यही रीजन है कि आपको कहूंगा जे जोस इस मैच के लिए आपके लिए कैब इसी के लिए नंबर 1 प्लेयर बन सकता है, चाहे वो आप स्मॉल लीग टीम बना रहे हो या फिर ग्रैंड लीग टीम बना रहे हो। रॉजर गणेश की बात करो, बल्लेबाज में भी काफी नीचे आएगा, बॉलिंग भी नहीं करेगा। अक्षय चंद्रन ये भी एक स्पिनर बॉलर आपको देखने को मिलेगा, जो कि इस समय कप्तान बना हुआ है और अपनी टीम के लिए कप्तानी करने के साथ साथ 3 से 4 ओवर बॉलिंग भी करके दे रहा है। अगर आप आखिरी के 3 मैचेस निकाल दो, तो शुरू के मैचेस में इसने काफी अच्छी बॉलिंग किया हुआ था, देख सकते हो 4 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट लिया हुआ, पहले मैच से 2 विकेट लिया हुआ है। तो एक बार फिर से लेकर के चलूंगा, क्योंकि बल्लेबाजी से भी आपको रन बना करके दे सकता है। संजू संजीव की बात करें, एक ही मैच में 59 रन की पारी खेल के दिया हुआ है। कई मैचेस में बल्लेबाज में 4 पे आ जाता है, कई मैचेस में बल्लेबाज में 9वें नंबर करीब भी आता है, तो कुछ भी कंफर्म नहीं है। यही रीजन है कि इसको लेकर के नहीं चलूंगा। एस केरिया जो कि हर मैच आपको 2 से 4 ओवर बॉलिंग पूरा करके दे रहा है और मैचेस भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी करके दे रहा है, देख सकते हो आखिरी के लगभग हर मैच के अंदर बॉलिंग से विकेट लेकर के दिया हुआ है, तो आपके लिए एक अच्छा प्लेयर रह सकता है। नील सनी की बात करो, बल्लेबाज में काफी नीचे आएगा, बॉलिंग करेगा नहीं। बसील यहाँ से एनपी जो कि एक फास्ट बॉलिंग ऑप्शन देखने को मिलेगा, जो कि शुरू के ओवर में 2 ओवर बॉलिंग करेगा और आखिरी के ओवर में 2 ओवर बॉलिंग करके देगा। अगर पहले बॉलिंग कर रही है इसकी टीम, तो बसील एनपी आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा, जो कि हर मैच आपको 3 ओवर के करीब बॉलिंग करके दे रहा है और हर मैच अच्छे खासे बॉलिंग से विकेट भी लेकर के दे रहा है। मामा फैजल की बात करें, पहले मैच से 3 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट मिले, लेकिन दूसरे मैच से 2 ओवर बॉलिंग करके 1 भी विकेट नहीं मिला हुआ है, तो अगर इसकी टीम पहले बॉलिंग कर रही है तो आप लेकर के चल सकते हो, लेकिन अगर सेकेंड बॉलिंग कर रही है तो फिर बिल्कुल भी लेकर के नहीं चलना है। ए बिनू की बात करें, आखिरी के मैचेस में 3-3 ओवर बॉलिंग क्या हुआ, आप चाहो तो लेकर के चल सकते हो, बाकी मैं इसके ऊपर रिस्क लेकर के नहीं चलने वाला। बेंच के प्लेयर्स की बात करूँ, इनमें से कोई भी खेल रहा होगा तो उसका जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो मैं अपने टेलीग्राम सर को आपको शेयर कर दूंगा। जरूरी प्लेयर की बात करूँ तो मुझे लगता है कि आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेंगे जे जोस, यहाँ से आपके लिए जॉफिन जोस,
उसके बाद अक्षय चंद्रन, और उसके बाद यहाँ से आपके लिए रहेगा ए स्कैरिया, उसके बाद बासिल एनपी। ये चार प्लेस आपके लिए जरूरी प्लेस रहेंगे। अब आप रिस्क किसके पर ले सकते हो, चाहो तो आप यहाँ से मोहम्मद फैजल को लेकर के चल सकते हो अगर इसकी टीम पहले बॉलिंग करे, और उसके बाद आप यहाँ से लेकर के चल सकते हो वी अरविंद और विष्णु राज में से किसी एक प्लेयर को, किसी एक को ही लेकर के चलना। अगर चेसिंग कर रही होगी तो आप लेकर के चल सकते हो। और बात करेंगे अपने बेंच के प्लेयर्स की, इनमें से कोई खेलेगा तो उसका इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम से को आपको शेयर कर। अगर आपको भी टॉस हो जाने का, लाइनअप आ जाने का, हमारी खुद की फायर टीम से हो, तो फिर आपको हमारे टेलीग्राम सर को ज्वाइन होना पड़ेगा, जहाँ पे ज्वाइन होना आपके लिए एकदम फ्री है। मैं टेलीग्राम सर को इसी तरीके से अपने 11 प्लेयर पूरे केवीसी सभी चीज़ों के साथ अपनी फायर टीम शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम सर का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन बॉक्स सबसे ऊपर पिन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। ना मिले तो आप सीधे सीधे कमेंट करके पूछ लेना, उसका भी रिप्लाई आपको मिल जाएगा। देख सकते हो हमारे टेलीग्राम सर को 55,000 के करीब सब्सक्राइबर पहले से फ्री में ज्वाइन है, आप भी ज्वाइन हो जाना, यहीं पर मैं अपनी फायर टीम आपको शेयर करने वाला हूं। उसके अलावा मान लो कि टॉस होने का हमें मालूम चले कि कोई नए प्लेयर्स खेल रहा है, तो उनका भी एनालिसिस मैं इस तरीके से अपने टेलीग्राम सर को आपको शेयर कर दूंगा। तो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या फिर हमारी खुद की टीम चाहिए हो, तो टेलीग्राम सर को ज्वाइन होना आपके लिए जरूरी भी है और आसान भी और फ्री भी है, तो फ्री की चीज़ को मत छोड़ना। बात कर अपने रॉयल्स की टीम की, तो रॉयल्स की टीम वर्सेस बल्लेबाज में ओपनिंग करेगा अमीरशाह एहसन, जिसका नाम आपको ऑलराउंडर्स में देखने को मिलेगा। यही रीज़न है कि मैं इसको लेकर के नहीं चल रहा हूँ, भले ही बल्लेबाज में ओपनिंग कर रहा है लेकिन ऑलराउंडर्स में नाम है, बॉलिंग कर नहीं रहा, यही रीज़न है कि लेकर के चल नहीं रहा हूँ। जो प्लेयर्स आपको बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों चीज़ करके दे, वो प्लेयर्स आपके लिए अच्छे प्लेयर रह सकते हैं। संजय राज जो कि बल्लेबाज में ओपनिंग करेगा, आखिरी मैच में फ्लॉप भी हुआ है, उससे पहले 19 रन, उससे पहले फ्लॉप 4 रन, उससे पहले 32 रन, उससे पहले फ्लॉप 11 रन, यानी कि इस मैच में मुझे लगता है कि आपको 20 से 40 रन बना करके दे सकते हैं, खासतौर पर जब रॉयल्स की टीम चेजिंग कर रही हो। ए इलियास जिसने आखिरी मैच 32 रन, इससे पहले मैच 46 रन, बीच के बचे वो मैचेस में उतना अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया नहीं, आप चाहो तो लेकर के चल सकते हो। बाकी मैं आपको एक चीज़ कहूँगा कि मुझे लगता है कि इस मैच आपको संजय राज और ए इलियास में से किसी एक को मिनिमम लेकर के चलना ही चलना है। दोनों से कोई एक ऐसा प्लेयर जरूर होगा जो कि आपको 30 से लेकर के 50 के बीच में रन बना करके दे सकता है और आपके फैंटेसी टीम में होना जरूरी हो सकता है। ऐसे निज़ार की बात करें तो जो कि इस समय कप्तानी कर रहा है, आप देख सकते हो रॉयल्स की टीम ओर से एक मैच अपनी कप्तानी के अंदर पहले 72 रन की बल्लेबाजी से पारी खेल कर रखा है, और एक मैच ऐसा भी क्या हुआ जहां पे इसको ओपनिंग करने का मौका दिया हुआ है। तो एक बार फिर से मैं लेकर के चल सकता हूं इसको, आप भी टीम में पिक करके चल सकते हो। रीजन क्या है कि आप भी टीम के लिए कप्तानी कर रहा है, तो कप्तानी करते हुए परफॉर्मेंस अच्छा करके दे सकते हैं। सचिन सुरेश के नाम बात करो तो नाम विकेट कीपरों में, लेकिन परफॉर्मेंस उतना अच्छा करके दे नहीं पा रहा है। अखिल MS जो कि हर मैच आपको 4 ओवर बॉलिंग पूरा करके दे रहा है, एक स्पिनर बॉलर है, अक्सर 2, 3 और 4 ओवर बॉलिंग करके दे रहा है, और अक्सर इसको बॉलिंग से विकेट भी मिल जा रहे हैं। अब बल्लेबाजी से भी आपको 10-15 रन इजिली बना करके दे सकते हैं, तो ऐसा ऑलराउंडर आपके लिए एक अच्छा प्लेयर रहेगा। पी अनफल को लेकर के चलूंगा नहीं, भले ही आखिरी मैच इसने 3 ओवर बॉलिंग पूरा किया हुआ लेकिन विकेट नहीं मिला हुआ है, उससे पहले भी 2 ओवर बॉलिंग किया लेकिन एक ही विकेट मिला, उससे पहले भी 19 रन बना करके दिया हुआ, यानी कि आपको मैक्सिमम 30 के करीब ही पॉइंट्स दिलाकर जा पाएगा, यही रीजन के लेकर के नहीं चल रहा हूँ। यू यहाँ से आपके लिए जरूरी प्लेयर रहेगा यूनी कृष्णन, जो कि शुरू के मैचेस में अपनी टीम के लिए कप्तानी कर रहा था लेकिन इस समय जो 3 ओवर बॉलिंग किया एक भी विकेट नहीं मिला, उससे पहले 3 ओवर बॉलिंग किया एक विकेट मिला, 21 रन बल्लेबाजी से भी बना हुआ है। जब इसने पहला मैच खेला था 4 ओवर बॉलिंग करके 3 विकेट भी लिया था, अब बल्लेबाजी से भी 19 रन बनाया था, उसके बाद भी 4 ओवर बॉलिंग करके 1 विकेट मिला था, प्लस बल्लेबाजी से 26 रन बनाया हुआ था, यानी कि यू यहां से एम यूनी कृष्णन आपके लिए केवीसी के लिए एक अच्छा प्लेयर रहेगा, चाहे वो आप स्मॉल लीग की टीम बना रहे हो या फिर ग्रैंड लीग की टीम बना रहे हो। उसका जय श्रीराज का कोई इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, आखिरी मैच से 3 ओवर बॉलिंग करके 2 विकेट लिया हुआ, आप चाहो तो पिक करके चल सकते हो। उसके बाद यहां से आइए यहाँ से आफ्ताब को भी लेकर के नहीं चलूंगा, जी गोपीनाथ जिसको आखिरी मैच से सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग मिला हुआ है। अगर आपको लग रहा है कि गोपीनाथ से ज़्यादा अच्छे बॉलिंग मतलब 3 से 4 ओवर बॉलिंग जे यहाँ से अनुराग को मिलेगा, तो आप अनुराग को लेकर के चल सकते हो, क्योंकि आखिरी मैच देख सकते हो गोपीनाथ को सिर्फ और सिर्फ 1 ओवर बॉलिंग मिला हुआ है, लेकिन उससे पहले इसको हर मैच से 3 से 4 ओवर बॉलिंग पूरा मिल रहा था, आप चाहो तो पिक करके चल सकते हो। वी पुथूर को भी हर मैच से 2 ही ओवर बॉलिंग मिल रहा है, यही रीज़न है कि ये भी उतना अच्छा प्लेयर नहीं रहेगा। मैं जरूरी प्लेयर्स की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए जरूरी प्लेयर सबसे पहले तो अखिल MS रहेगा ही रहेगा, उसके यू यहां से यूनी कृष्ण को लेकर के चलना ही चलना, ये दो प्लेयर जरूरी प्लेयर है। अब आप लेना किसको है, आपको यहां से आप एस निजार, ए इलियास और संजय राज, ये 3 प्लेयर्स में से किसी 2 को लेकर के चल सकते हो, ये तीनों प्लेयर्स में से आप किसी 2 प्लेयर को लेकर के चल सकते हो। उसके बॉलिंग ऑप्शन में आपको एक काम करना है कि यहां से जी गोपीनाथ
और यहाँ से जे अनुराग, ये दोनों में से किसी एक प्लेयर को लेकर के चल सकते हो। बात कर अपने फैंटेसी टीम की, जो भी इनमें से कोई भी अगर खेल रहा होगा बेंच में से, तो मैं उसका इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम सर को आपको शेयर कर दूंगा, ज्वाइन करना मत भूला। हमारे टेलीग्राम सर का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल के लिए मैंने अपने एनालिसिस के बेस के ऊपर इस तरीके की टीम बनाई हुई है। इनमें एक चेंज कर सकते हो कि यहाँ से मोहम्मद फैजल को निकाल करके आप लेकर के चल सकते हो। यहाँ से बॉलिंग ऑप्शन है जी गोपीनाथ और जे अनुराग में से किसी प्लेयर को। अगर रॉयल्स की टीम पहले बॉलिंग कर रही हो, अगर रॉयल्स की टीम सेकंड बॉलिंग कर रही होगी, तो फिलहाल के लिए मैं इसी तरीके की टीम लेकर के चलने वाला हूँ। इसके अलावा आप अभी भी मैं एज अ वीसी लेकर के चल सकते हैं यहाँ से यूनी कृष्णन को, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन बन सकता है। उम्मीद है दोस्तों एक प्ले का पूरा एनालिसिस बता दिया। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम सर को ज्वाइन नहीं हो तो ज्वाइन जरूर जाना, क्योंकि ये एक हमारी इनिशियल टीम है जो कि टॉस होने से पहले की है। टॉस होने का जो भी वेरीफाई टीम होगी वो मैं अपने टेलीग्राम सर को आपको शेयर कर दूंगा। उसके अलावा आखिरी के 6-7 महीनों से मैं अपना पूरा पैसा जो है सिर्फ 11 चैलेंजेस से आपको लगा रहा हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन है फैंटेसी के जितने भी एप्लीकेशन है आपको सबसे ज़्यादा लो एंट्री फीस जो 11 चैलेंजेस पे ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप मेरे कहने पर बस एक बार अपने 1000 रुपये लगाओ, बिना हारी आपके 100 रुपये बचा लोगे सिर्फ और सिर्फ एंट्री फीस के रूप में। 10,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे तो बिना हारी आपके 1000 रुपये बचा लोगे सिर्फ और सिर्फ एंट्री फीस के रूप में। उसके भी पर्स आपको 4 से 15% जो बोनस के भी पैसों का यूज़ करने को मिलेगा। 11 चैलेंजेस ऐप का लिंक आपको इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा, जो अभी कभी वहाँ से डाउनलोड करके आप मेरे साथ खेलना शुरू कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना।